वेलकम टीचर्स, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। एक और डेमो क्लास के कुछ सुझाव आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। कुछ टीचर्स ने कहा है कि अगर हमें बच्चों को, छोटे बच्चों को बॉडी पार्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं अपनी डेमो क्लास में तो मैम कैसे कराएं। तो देखिए दोस्तों, बॉडी पार्ट से मतलब मैं तो ये कहती हूँ सभी चीजों से बच्चा बिल्कुल जानता है, परिचित होता है, उसके परिवेश में, उसके एनवायरमेंट में उसने हर चीज को ऑब्जर्व किया होता है। हमें तो टीचर को सिर्फ उसे कनेक्ट करके एक राइट डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन देना है। अगर आप उस पर जबरदस्ती का ज्ञान एक रटे रटाए तरीके से थोपेंगे तो वो कभी उस चीज को लॉन्ग लास्टिंग याद नहीं कर रख पाता। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रख के हम किसी भी डेमो क्लास में अपने बच्चों के सामने कोई टॉपिक प्रेजेंट करते हैं उतना ही हमारा सिलेक्शन रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप बॉडी पार्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये कुछ बेसिक ओरल क्वेश्चंस हैं जिनसे आप अपने बच्चे को कनेक्ट करें। हाउ मेनी आईज डू यू हैव? नॉर्मल क्वेश्चंस, बच्चों को पता है आईज, बच्चे काउंट करेंगे और आपको बताएंगे मैम टू। ओके, अगर वो नहीं भी आंसर देते हैं तो आप अपनी दोनों आईज को टच करके भी उन्हें इंडिकेशन दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं डेमो क्लास में, जिससे उन्हें समझ, आप उन्हें बता ही नहीं रहे कि बॉडी पार्ट्स और फलाने पार्ट्स आप उन्हें क्या सिखा रहे हैं। यू आर सिंपली आस्किंग द सिंपल क्वेश्चंस कि हाउ मेनी आईज डू यू हैव। तो आप अपनी आंखों को छू सकते हैं, उन्हें इंडिकेट कर सकते हैं, फिंगर्स की हेल्प से बता सकते हैं कि आई हैव टू आईज। हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव? ये कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल रिटन फॉर्म में इसलिए शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर्स हो जाती हैं, इन चीजों की आप पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इंग्लिश में डेमो अगर मांगते हैं आप लोगों से तो इन क्वेश्चंस को इसी फॉर्म में आप उसकी प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल्स के तौर पर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी हैंड्स डू यू हैव? हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव? हाउ मेनी नोज डू यू हैव? हाउ मेनी लेग्स डू यू हैव? अब ये क्वेश्चंस जब आपने पूछ लिए बच्चे से, प्रैक्टिकली ओरल क्वेश्चंस पूछ लिए, तो बच्चे जो हैं एक्टिविटी के तौर पर बच्चे आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्लास का एक माहौल बन जाता है जहां पर टू वे कम्युनिकेशन हो रहा होता है, टीचर भी इन्वॉल्व है, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है, वो भी अपने जवाब दे रहे हैं और अच्छे से टीचर को सुन रहे हैं। उसके बाद आप रफली एक नोज जो है वो बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत अच्छे टीचर हो, पहले से प्रिपरेशन करके जा रहे हो, ऑनलाइन अगर आप डेमो क्लास दे रहे हो तो वहां पर भी आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं और उसके बाद बच्चों को इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं कि अच्छा इनमें से आप मुझे कोई भी टिक करके बताओ बोर्ड पे, या कर छू कर बताइए कि कौन सा बॉक्स, बॉक्सेस को नाम दे सकते हैं अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में, कि ए बी और सी कौन से, कितने हैं आपके नोज जो है, आपको उनमें से चूज करके बताना है, टू नोज है, वन नोज है या थ्री नोज, कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो बच्चे जो है इनमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, आईज के लिए भी बना सकते हैं, ईयर्स के लिए भी बना सकते हैं आप इसमें, और लेग्स के लिए भी बना सकते हैं, हैंड्स के लिए भी, बिल्कुल प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपने ओरल उन्हें बता दिया, कुछ सिखा दिया, बट स्टिल उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप नहीं हुई। उसे डेवलप करने के लिए आपको उनके साथ इस तरीके की वर्कशीट जो है वो शेयर करनी पड़ेगी, तभी आपका स्टूडेंट जो है वो सीख सकता है। और ये कितने फ्रिक्वेंटली है कि अगर आप इन्हें डेमो क्लास में नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं तो आपका बच्चा इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख जाएगा। नेक्स्ट है, मैचिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद देयर करेक्ट पिक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैचिंग बच्चे को बिल्कुल उसकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, उसकी एनालिसिस और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उनके साथ जो है बच्चा क्या करेगा, इमेजिन करेगा और उसके बाद मैच करेगा कि नीज कहां पे है, ओके नीज, चिक कहां पे है। कई बार बच्चा फिंगर के पास ले जाएगा तो समटाइम्स आप उसे गाइड कर सकते हैं, रफली कोई कार्टून बॉडी बना सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं कि आईज कहां पे है। अगर कुछ चीजें होती हैं जो उसकी वोकैब में नहीं होती तो उन्हें रॉन्ग भी कर सकता है, टोज उसे नहीं पता, वो हो सकता है कि एल्बो के पास ले जाए, तो दैट इज अप टू देम। आप उन्हें जज करेंगे, उन्हें करेक्ट करेंगे, बट उनका इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे डेमो क्लास में, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो 100% हो जाते हैं। तो ये कुछ वर्कशीट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, इसीलिए मैं वर्कशीट्स के एग्जांपल के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि पर्टिकुलर यही फॉर्मेट अगर आप चूज करते हैं, इतना सा कंटेंट अगर आप चूज कर लेते हैं और अपने आप को तैयार करके क्लास के सामने प्रेजेंट कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोग के वीडियोस जो है वो लेके आ जाऊंगी उस पर्टिकुलर टॉपिक कंटेंट के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट का डेमो क्लास हो, किसी भी क्लास की हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना और ये जरूर बताना कि ये डेमो क्लास आपको कैसी लगी है, कितनी हेल्पफुल रही है आप लोगों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप इस टीचिंग कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं, और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।